अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। गौतम बुद्ध नगर के DM BN सिंह हटा दिए गए। उन्हें कोरोना समीक्षा बैठक में CM द्वारा दिखाई गई तलखी रास नहीं आई और उन्होंने 3 माह के लिए अवकाश ले लिया। गंभीर बात यह रही कि शासन को अवकाश पत्र बाद में मिला, इससे पहले ही वह सोशल मीडिया पर जारी हो गया। सोशल मीडिया पर ही समीक्षा बैठक का वह हिस्सा भी तेजी से वायरल हो गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह कहते सुने जा रहे हैं कि वह बकवास ना करें, बकवास बंद करें। मुख्यमंत्री ने यह तलख वाक्य गौतम बुद्ध नगर के DM BN सिंह से कहे थे। ठाकुर लॉबी के IAS BN सिंह पिछले 3 साल से प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जिले के जिलाधिकारी पद पर जमे हुए थे। गौतम बुद्ध नगर के ही SSP वैभव किशन के बाद प्रदेश में संभवतः यह दूसरा मामला है जब किसी जिम्मेदार अफसर ने गैर जिम्मेदारी का परिचय देते हुए सोशल मीडिया में प्रदेश सरकार की फजीहत की है। अपना अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद वैभव किशन ने जिस तरह से गोपनीय पत्र मीडिया को जारी किए, उससे प्रदेश सरकार को खासा नीचा देखना पड़ा था। वैभव ने गोपनीय पत्र में सीधे आरोप लगाए थे कि 4 IPS अफसरों ने पैसे के बल पर महत्वपूर्ण जिले पाए हैं। किस जिले के लिए कितनी धनराशि दलालों द्वारा ली जा रही थी, इसकी जानकारी उस पत्र में दी गई थी। वैभव किशन ने ही भले ही 4 IPS अफसरों को निशाने पर रखा, लेकिन तत्कालीन DGP डॉक्टर OP सिंह की छवि पर भी उन्होंने डेंट लगाने का काम किया। लिहाजा फॉरेंसिक जांच में वायरल वीडियो सही पाए जाने पर वैभव को निलंबित कर दिया गया। बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मोर्चा संभालते हुए मैदान में उतर गए थे। उन्होंने पहली बैठक नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में की। पहली बैठक में ही ऐसा कुछ हो गया जिसकी संभवतः योगी आदित्यनाथ ने भी कल्पना नहीं की होगी। CM योगी के सख्त रुख अपनाने के बाद सत्ता में बैठे लोगों के बेहद नजदीकी रहे IAS BN सिंह को यह कहते सुना गया कि वह 18-18 घंटे काम करते हैं, फिर भी यह उनका मर्म भी हो सकता है और उनका गरूर भी, लेकिन वह यह बात भूल गए कि भले ही वह जिले के मुखिया हों, लेकिन फिलहाल बात प्रदेश के मुखिया से कर रहे हैं। बकवास मत बंद करो अपना, बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। यहाँ पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना, और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहाँ पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। उन्हें लखनऊ राजस्व विभाग से संबद्ध भले ही कर दिया गया हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बगावती सुर दिखाए हैं, उसे देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः उनकी ठाकुर लॉबी उन्हें निलंबन अथवा बर्खास्त की जैसी कार्रवाई से बचा ले जाएगी। इसके बाद बैठक सामान्य चली, लेकिन इस बैठक के बाद ही 2 कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे। पहला यह कि मुख्यमंत्री मेरठ आए तो कुछ जिम्मेदार अफसर जरूर नपेंगे। दूसरा, वह मेरठ नहीं आएंगे और सीधे लखनऊ रवाना हो जाएंगे। यहाँ दूसरा सही साबित हुआ, वह गाजियाबाद से सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो गए और मेरठ प्रशासन ने राहत की सांस ले ली। दरअसल मेरठ के कुछ जिम्मेदार अफसर सिर्फ कागजी खानापूर्ति में लगे हैं। हद तो तब है जब ACMO जैसे कुछ स्वास्थ्य अधिकारी मुख्यालय पर रहने के बजाय रोजाना ही अप डाउन कर रहे हैं। समझा जा सकता है कि वे और उनका स्वास्थ्य विभाग कितने संजीदगी से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा होगा। इस बीच दिल्ली तबलीगी जमात से बाहर आए तमाम लोग अन्य लोगों के लिए जान की आफत बन गए हैं। इनमें से करीब 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है CM योगी लखनऊ पहुंचकर कोरोना रोकथाम के लिए प्रदेश भर में उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करेंगे। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार।